पुलिस की कार्यशैली से नाराज चौधरी समाज ने एकजुट होकर जगदीश स्वामी मंदिर में एकत्रित हुए और पवई थाना पहुंचकर एसडीओपी सौरभ रत्नाकर को आवेदन सौंपते हुए खाद्य अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल पवई विकास खंड के ग्राम जूही निवासी मगन चौधरी ने खाद्य अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी पर मारपीट और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर चौधरी समाज ने एसडीओपी से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही खाद्य अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं एसडीओपी ने आवेदन पत्र पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। ले गए थे वो मंडी से, मैं काम कर रहा था पल्लेदारी का, तो ले भागे रहे घर में, खुद्डी उड्डी और झाड़ू पोछा करवाते रहे, बर्तन ना पैसा दिया, बोले कार्ड बनवा देंगे और राशन कार्ड भी बनवा देंगे, तो नहीं बनवाया। तो फिर नहीं बनवाने के खातर फिर वो कटनी साइड से आ रहे थे, मैं वहाँ खड़ा था, तो उनने मेरे को दो तीन लाते, बोले जूता मारूंगा, जूता के खातर तू बना ही। किसने मारा? प्रदीप त्रिपाठी थे, सफेद गाड़ी में थे। मगन चौधरी द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि फूड इंस्पेक्टर प्रदीप त्रिपाठी द्वारा उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई है, जिसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन पर से वैधानिक कार्रवाई कराई गई।